हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और यह है हमारे सामने टाटा की पंच एडवेंचर रिदम। ये वेरिएंट रहने वाला है जो लगभग आपको 8 से 8.5 लाख की पड़ जाती है ऑन रोड। सो आपने अभी फ्रंट में देखोगे, इसमें आपको फॉग लैंप नहीं दिए गए हैं, हेलोजन हेडलैम्प्स आपको इसमें मिल जाते हैं एंड ऊपर आपको कोई LED DRL इसमें नहीं मिलती है। सो यहाँ पे अलॉय व्हील्स भी आपको नहीं दिए जाएंगे, बट 15 इंचज़ के आपको यहाँ पे स्टील व्हील्स मिलते हैं विद व्हील कवर्स। एंड ये ऑटो फोल्डेबल आपको RPMs नहीं मिलते इसमें, नॉर्मल आपको मैनुअल मिलेंगे जिस पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। और ये है ऐसी इसकी रियर प्रोफाइल जिसमें आपको कोई LED का पार्ट यूज़ नहीं मिलेगा, सब कुछ हेलोजन में आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी टेल लैंप्स आप देख सकते हो, पंच यहाँ पर ऐसे लंबा लंबा लिखा मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और ये आप रिफ्लेक्टर्स देख सकते हो, डिफोगर वाइपर आपको कुछ भी इसमें नहीं मिलता एंड बीच में आपको नॉर्मल एंटीना मिलेगा यहाँ पर। सो गाड़ी की 8 लाख कीमत है, बट गाड़ी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। सो ऑल्टो वगैरह भाई वो भी 6 साढ़े 6 लाख की पड़ती हैं यार, इससे बढ़िया तो आप ये ले लो, इसका चाहे नीचे वाला वेरियंट ले लो, पर तो गाड़ी तो ऊँची है। और ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को, जैसे बीट वगैरह में होता था भाई वो इतने सिक्योर नहीं होते थे, बट इनका काफ़ी सेफ्टी वाला ये। और ये डोर जो आपका 90 डिग्री के साथ खुल जाता है, सो आप यहाँ देख सकते हो इसका स्पेस कितना है। भाई मेरी हाइट 5'11" और भाई स्पेस के मामले में ना मैं इंप्रेस हूँ इस गाड़ी से, इतना स्पेस आपको इसमें मिल जाता है कि मतलब कोई आपको कमी नहीं फील होगी। और यहाँ से आपको इसका थोड़ा इंटीरियर देख सकते हो कैसा दिखने में लगेगा। ड्यूल टोन में यहाँ पर थोड़ा इंटीरियर यूज़ किया गया है और रूफ़ पर आपको कोई सनरूफ वगैरह इसमें नहीं मिलेगा, इस मॉडल में टॉप में भी नहीं मिलता वैसे तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका स्टोरेज स्पेस आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है और अम्ब्रेला होल्डर भी आपको इसमें अगले डोर पे मिल जाएगा। बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है इसमें। सो गाइस, क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है और 5-स्टार रेटेड गाड़ी है भाई, क्या चाहिए आपको। रुकेस सेंसर आपको इस पर नहीं मिलता और यहाँ से आप थोड़ा इंटीरियर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, डिसेंट गाड़ी है, कोई फालतू का चटपट नहीं कर रखा गाड़ी में। और सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को ये, यहाँ पर देख सकते हो आप इसमें काफ़ी स्टोरेज आपको मिल जाती है। सेफ्टी में आपको इसमें 2 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिल जाते हैं, IAC प्लस ISS टेक्नोलॉजी के साथ आपको इसमें सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, ABS प्लस EVD आपको सब कुछ मिल जाएगी। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो कैसी फिनिश यूज़ की गई है, थोड़ी वुडन तो नहीं लगेगी बट आपको थोड़ी अच्छी मज़ेदार लगेगी जो भी है। और यहाँ से आप देख सकते हो स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल का आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। लेफ्ट साइड में वाइपर्स के एंड राइट साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये है 7 इंचज़ की हरमन की तरफ से आने वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन। रियर एसी वेंट्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाए गए हैं और यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी चेक कर सकते हो क्वालिटी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है, चीप क्वालिटी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया। एंड 5 स्पीड की आपको यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन की गेयर बॉक्स मिल जाती है एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर्स देख सकते हो। सो स्टोरेज स्पेस की कोई कमी नहीं है, बट सनग्लास होल्डर की यहाँ पर कमी आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो वैनिटी मिरर मिल जाता है, यहाँ पर टोल रिसिप्ट वगैरह रख सकते हो। और ये आप इसका ग्लव बॉक्स चेक करो, कूल्ड फंक्शन के साथ आपको प्रोवाइड हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है यार, ऐसा नहीं लगेगा आपको चीप है। और साउंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होएगी। सो काफ़ी बढ़िया है, इसके स्पीकर्स हैं और यहाँ पे आप इसको इको मोड भी आपको इसमें ऑफर किया गया है। सो माइलेज की भी टेंशन ना लेना, उसकी भी आपको पूरी कंपनी ने मतलब ध्यान रखा गया है उस चीज़ के ऊपर भी, या तो आपको अच्छी माइलेज मिल जाएगी। एंड सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है इसका लॉक, देखो ऐसे होता है डोर और ऐसे खुल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे। और यहाँ पे इसके RPMs के कंट्रोल और पावर विंडोज़ के कंट्रोल, इसमें से ड्राइवर साइड का जो आपको डोर मिलेगा उसमें 1 टच डाउन आपको प्रोवाइड किया गया है। सो गाइज, ये थी मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू टाटा पंच के ऊपर, किस किस बंदे को भाई गाड़ी मतलब मज़ेदार लगती है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को तो देखो काफ़ी अच्छी लगती है, वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी लगती है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को एंड वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय।